और योगी सरकार के आने के बाद गाजियाबाद की सरकारी स्कूलों में भी काफी सुधार हुआ है। गाजियाबाद के लोहिया नगर इलाके में सरकारी प्राथमिक विद्यालय है, इसमें पहले टॉयलेट नहीं थे और दीवारें टूटी हुई थी, फर्श भी यहां पर टूटा हुआ था, लेकिन अब यहां पर योगी सरकार आने के बाद काफी सुधार हुआ है। बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ साथ और भी कई सुविधाएं यहां पर दी जा रही हैं। और वहीं बच्चों का कहना है कि पहले टीचर नहीं आते थे, लेकिन अब वक्त पर आते हैं। बच्चों का कहना है कि बिल्डिंग में भी सुधार हुआ और पढ़ाई का स्तर भी अब काफी अच्छा हुआ है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर कहा है कि उन्हें जो जूते, किताबें और साथ ही यूनिफॉर्म मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है। पीने का पानी भी आरओ से यहाँ पर मिल रहा है और साथ ही मिड डे मील भी मिल रहा है। वहीं स्कूल की टीचर ने बताया कि सरकार ने यहाँ पर कुछ प्राइवेट संस्थाओं की यहाँ पर मदद से ये सुधार किया है, जिन्होंने यहाँ पर बच्चों को काफ़ी मदद मिल रही है। स्कूल की ब्लैक बोर्ड और साथ ही बेंच अब अच्छे हो गए हैं। पहले टाट पट्टी पर बैठकर बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती थी और आने वाले दिनों में स्मार्ट क्लासेस भी यहां पर शुरू होंगी। हमारे स्कूल में बहुत बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है। पहले शौचालय सीधे साधे बने हुए थे, लेकिन अब शौचालय बहुत अच्छे बने हैं और हमारे स्कूलों में कंपनियों के लोग भी आते हैं, जैसे श्रीराम पिस्टन के लोग आए हैं। हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म, जूते, शूज, ड्रेस, किताब और बैग मिले हैं। हमारे स्कूल में शौचालय बहुत अच्छे हैं। स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, मैम अब हर रोज आती हैं। पहले से बहुत अच्छा हो गया है। अब हमारा शौचालय भी बहुत अच्छा है, पहले एक शौचालय था, अब चार शौचालय हैं। पहले हम लोग उस पे क्या कहते हैं, टाट पट्टी पे बैठते थे, अब डेस्क पे बैठते हैं। पहले तो शौचालय भी गंदे थे, अब सही बन गए हैं। तो योगी सरकार के आने के बाद ये बदलाव यहाँ पर हुआ है। बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ साथ कई और भी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं और सरकारी प्राथमिक विद्यालय को देखकर ऐसा नहीं लगता कि सरकारी विद्यालय है, क्योंकि वो सभी यहाँ पर इन मासूम छात्र छात्राओं को वो सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। योगी सरकार के आने के बाद ये सब सुविधाएं यहाँ पर इन मासूम छात्रों को दी जा रही हैं। साथ ही इन छात्रों का कहना है कि वक्त पर सभी टीचर स्कूल आते हैं और जो यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है उसमें भी अब काफ़ी सुधार हुआ है। योगी सरकार के आने के बाद ये सभी बदलाव यहाँ पर इस स्कूल में देखे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से योगी सरकार शिक्षा को लेकर बड़ा बजट घोषित करती और शिक्षा को लेकर लगातार सतर्क भी है और लगातार अधिकारियों को हिदायत भी दी जाती रही है योगी सरकार की तरफ से, और उसका असर भी देखने को मिलता है। ये गाजियाबाद का एक स्कूल है जहाँ पर ये प्राथमिक विद्यालय, इसको देखकर आपको अनुमान लगाना भी यहाँ पर मुश्किल होगा कि ये सरकारी विद्यालय है, क्योंकि इसमें मासूम छात्रों को वो सभी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं जो कि एक प्राइवेट स्कूल में दी जाती हैं। यहाँ पर उनके बैठने और खाने पीने की जो मिड डे मील है उसमें भी काफ़ी गुणवत्ता में सुधार हुआ है और योगी सरकार के आने के बाद ही ये सारा सुधार यहाँ पर इस प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिल रहा है। और साथ ही इन मासूम छात्रों को और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए पिंटू तोमर हमारे संवाददाता गाजियाबाद से फोन लाइन पर जुड़े हैं। पिंटू, प्राथमिक विद्यालय को देखकर नहीं लगता कि सरकारी विद्यालय है, योगी सरकार के आने के बाद वो तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए लड़की टेस्ट करने की सोची की जब से सरकार आई है तो क्या बदलाव हुए हैं जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई को लेकर। तो सबसे पहली चीज, स्वच्छ भारत का बीजेपी दावा करती है, तो जहाँ होती है मासूम बच्चों के लिए जो पढ़ने आते हैं काफी समय स्कूल में बिताते हैं, तो सबसे पहले जो देखा गया वो टॉयलेट थे, जो टॉयलेट टूटे थे, बुरे थे, वो सब पूर्ण रूप से कर लिए गए हैं। उसके बाद जिस तरीके से बरामदे, छत, ये सब टूटी उनकी, इन सब को रिपेयर करके इनको दुखस बनाया गया है, और उसके बाद इनकी जो फिनिशिंग वगैरह होती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से की गई है। जी शुक्रिया आपका पिंटू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।